भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा से मिला और घुमंतू पशुपालकों की सुरक्षा एवं पशुधन की चोरी रोकने के लिए पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा की प्रदेश सचिव पवना कुमारी ने कहा कि जी, मेरा नाम पवना कुमारी है और मैं हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा की राज्य सेक्रेटरी हूँ और आज हम यहाँ SP महोदय से मिलने आए थे कि हमारे भेड़ पालक जो गर्मियों से जो है वो अपनी सर्दियों की सारा चारागाहों के लिए जब पलायन करते हैं तो पलायन के दौरान जो है वो बहुत सारी चोरियाँ होती हैं और ये चोरियाँ वेपन से और गाड़ियों को इस्तेमाल करके आजकल जो है वो चोर कर रहे हैं। तो इस समस्या से दुखी होकर बहुत सारे यंग जो हमारे भेड़ पालक लोग हैं उन्होंने डर के मारे जो है भेड़ बकरियाँ बेचनी शुरू कर दी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग जो है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, जबकि भेड़ पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसमें भेड़ पालक अपने परिवार के साथ साथ अपने जो कोहाल हायर करते हैं उसके परिवार को पाल रहा है, दूसरे मीट मार्केटिंग को देख रहा है, तीसरा जो है वो ऊन बाज़ार की खपत को पूरा कर रहा है और साथ साथ में हमारी भेड़ बकरियों के कारण जो है वो हर जगह खेती के लिए गोबर वगैरह भी होता रहता है। तो ये इस तरह से जो है ये वातावरण के लिए भी सही है, लेकिन आज सरकार जो है वो इस और विशेष ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि आप देखा जाए तो आजकल बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं के लिए, नेताओं के लिए, सब लोगों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन और ये सब चीज़ें मुहैया करवाई जा रही है, जबकि जो लोग अपनी मेहनत से जो है अपना एक व्यवसाय खड़ा करके जो है वो एक पशुपालन से जो है एक इतनी बड़ी इकोनॉमी को खड़ा करा हुआ है उसके लिए आज पुलिस प्रशासन जो है वो कोई मदद नहीं कर पा रहा है। दूसरा बहुत ताज्जुब की बात है कि पुलिस महानिदेशक शिमला से जो है वो 4 अप्रैल 2019 को जो है वो सब SPs को एडवाइजरी जारी करी थी, दिशा निर्देश जारी करे थे कि हर भेड़ पालक को जो है वो पलायन के समय जो है वो सहायता दी जाए, इनको बैकिंग दिया जाए और इनके जो है वो रूट देखे जाएं और देखा जाए कि इनकी चोरियां कहां होती हैं, इनको कहां प्रोटेक्शन दी जाए, ये सब एहतियात जो है वो हर SPs को दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अभी भी इस ऑर्डर को हुए इतना टाइम हो गया, आज तक एक भी थाने में, एक भी चौकी में जो है इसका कोई फॉलोअप नहीं था। तो आज हम SP महोदया से मिलने आए थे, बहुत दुख की बात है कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो हम आशा करते हैं कि वो उनका स्वास्थ्य जो है वो जल्दी ठीक हो और वो हमारे ज्ञापन के ऊपर जो है वो अपना अगला दिशा निर्देश जो है वो अपनी सब चौकी थानों और नाकों के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको दें। हिमाचल दस्तक बैक TV के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा। ज्वेलर्स